अमित अमित जी एक एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे एक सवाल घुमा घुमा कर पूछने की मुझे थोड़ी सी आदत है अगर वोट शेयर एनालिसिस करा जाए गुजरात में तो पिछली बार आप लोगों का करीब सैंतालीस प्रतिशत से ऊपर था और कांग्रेस का इकतालीस दशमलव चार के आसपास था आपका ये वोट शेयर जो है सैंतालीस से पचास के बीच में बना रहा है इस बार अगर मुकाबला त्रिकोणी है तो क्या ये वोट शेयर आप अपने वोट शेयर को कैसे देखते हैं और क्योंकि यह त्रिकोणी मामला है क्या आपकी सीट बढ़ सकती है घट सकती है कितनी सीटें आएंगी आप हर बार एक आंकड़ा देते हैं इस बार नहीं दे रहे हैं राहुल जी मैं जरूर दूंगा आंकड़ा परंतु मैं इतना कह सकता हूं वोट शेयर हमारी जरूर बढ़ेगी अच्छी खासी वोट शेयर बढ़ेगी और दूसरा सीटें भी हमारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी आपने ही कहा जैसे बिखराव है ये बिखराव दिख रहा है बहुत प्रत्याशित अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सेर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे ये सुनिश्चित है आंकड़ा अभी बताने का समय नहीं है अभी तो सारी पार्टियों का सूची मेरी पार्टी की सूची भी अभी बीस मिनट पहले अंतिम घोषित हुई है तो सभी पार्टियों का सूची घोषित नहीं हुआ है तो अभी आंकड़ा नहीं बता सकते पर बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी की इस बार बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होगा ऑपोजिशन पर। का अटैक जो है आपके ऊपर दो तीन मुद्दों पर है मैं उन सबको साथ में मिलाकर एक प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आप उसका जवाब दे सके एक तो महंगाई जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा रहा है पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन ये तीन मुद्दे उठाते रहते हैं तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछा देखिए जहां तक करप्शन का सवाल है कांग्रेस की 10 साल की सरकार सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है कांग्रेस घोटाल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलती यहां भ्रष्टाचार हुआ स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकते जहां तक महंगाई का सवाल है पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है मगर मैं देश की जनता को गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है हमारी अर्थव्यवस्था वी सेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा शायद रसिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे बेरोजगारी ले के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं और अभी मोदी जी हर महीने पचहत्तर हजार से सवा लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी दस माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एक ड्राइव है जी। और गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है देखिए नरेंद्र मोदी शासन की खूबी ये नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा शासन किया वो तो किया ही चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना हो एनरोलमेंट को बढ़ाना हो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार करना हो जहां तक ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का सवाल है भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो रेयरली इंप्रूव करते हैं जी माता मृत्यु दर बाल मृत्यु दर इंप्रूव नहीं करता है ड्रॉप आउट रेशियो और एनरोलमेंट इंप्रूव नहीं करता है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है भूगर्भ जल स्तर ऊपर नहीं आता है कृषि का विकास दर 10 साल तक 10 परसेंट से ज्यादा रखना ये बहुत एफर्ट्स मांगने वाली ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है परंतु मैं इसको विशिष्ट बात नहीं मानता वो मोदी जी करते ही जहां रहते तो परंतु मोदी जी ने कैसी व्यवस्था बनाई उनके न रहते हुए भी इस सारी चीजें चालू रही है और उनके न रह यहां से जाने के बाद भी गुजरात के अंदर सुशासन की वो प्रणाली आज भी चालू रही अच्छा सुशासन देना अच्छा ही है मगर उससे अच्छा है इस प्रकार की व्यवस्था खड़ो कि आपके बाद भी सुशासन चलता रहे मोदी जी ये करने में बहुत सफल हुए हैं और शायद देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने इस तरह से स्थायी स्वरूप सुशासन को देने का प्रयास किया है गुजरात से हटकर थोड़ा हिमाचल की ओर चलते हैं आ, वहां तो आप यहां तो आपने आंकड़ा नहीं दिया कम से कम यहां तो आंकड़ा दे दीजिए यहां तो चुनाव हो चुका है हम आ, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारा जो बहुमत था बाढ़ राज प्लस माइनस दो कर मेंटेन करेंगे वापस दोबारा सरकार बनेगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां मुख्यमंत्री कौन होगा क्या जयराम हमने घोषित किया है इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे बने। वही बनेंगे वही बनेंगे दोबारा